आज 27 मार्च है और ये एक हिस्टोरिक डे है, एक ऐतिहासिक दिन होगा भारत के इतिहास में। बहुत लोग समझेंगे कि मोदी ने चुनाव से जस्ट कुछ दिन पहले ये चीज़ की। जानकारी के लिए बता दूं, अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो शायद ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तैयारी कुछ दिनों की नहीं होती है, कई महीनों की होती है, क्या पता कुछ सालों की भी होती है। तो बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तब जाके आप एक अटेम्प्ट करते हो, ताकि बहुत, क्योंकि एक एक अटेम्प्ट करोड़ों का होता है, बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, करोड़ों का लॉस हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं हमारे भारत सरकार के, और एक एक रुपए हमारे टैक्स पेयर्स का आता है, तो सरकार इतना रिस्क नहीं लेती है। तो बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारे समय का ये मतलब रिजल्ट है कि आज एक स्पेस में सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हमारा देश रखता है। और जैसा कि मोदी जी का कहना है, आपको बगल में दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, कि कुछ समय पहले स्पेस में 300 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को मार गिराया था, और वो भी सक्सेसफुली, सब कुछ अच्छे से हो गया था, और आज भी एक सैटेलाइट को मार गिराया है और सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। तो बहुत सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो कि स्पेशली जो पाकिस्तान है, जिसके साथ अभी टेंशन चल रही थी, उसके मन में थोड़ा डर और बैठ जाएगा कि भारत को पावरफुल देशों में गिना जाने लगने का मतलब समझ रहे हैं वो। भारत के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेगा, वो फिर भी नहीं ले पाए, पहली बात। दूसरी चीज, ये करंट गवर्नमेंट की आपको अगर पॉलिटिक्स दिखे, ये आपके माइंड की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इन केस 1% भी अगर ये पॉलिटिकल अटेम्प्ट है चुनाव जीतने का, तो मैं कहना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी है तो पॉलिटिक्स नहीं करती? कौन सी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती है? करना चाहिए नहीं, लेकिन वो नेता हैं ही, राजनेता क्यों है अगर वो पॉलिटिक्स ही ना करे। तो इस बात को अगर साइड में रख भी दिया जाए कि पॉलिटिक्स है नहीं है, लेकिन आज की डेट में सबको यूनाइट होकर देश के लिए अच्छा फील करना चाहिए। प्राउड मोमेंट है ये बहुत ज़्यादा, और कम से कम एक सेकंड के लिए प्राइम मिनिस्टर को प्रेज तो बनता है कि अगर ये 5 साल के ड्यूरेशन में सोचा भी जा सकता है और करके सक्सेसफुली उन 3 देशों के बाद चौथा नाम अपना दर्ज कराया जा सकता है, तो 70 साल में किसके दिमाग में जंग लगी थी? लोग तो कहते हैं मनमोहन सिंह सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से आते हैं, सबसे पढ़े लिखे, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से उनकी गिनती आती है, टॉप वर्ल्ड लीडर्स में से, मतलब नॉलेज के ऊपर, डिग्री के ऊपर। तो जब अपने देश के लिए सोचना था, सिर्फ इकोनॉमिकली सोच रहे थे, और तब भी देश की GDP बढ़ा नहीं पाए उतनी। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों को सोचना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर आज राहुल गांधी ने किया होता, तो जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी जो मुस्लिम हैं जिनका कांग्रेस को सपोर्ट ज़्यादा रहता है, जो सिर्फ आँख बंद करके सिर्फ कुछ हुआ हो ना हुआ हो, कांग्रेस इज़ द बेस्ट, तो उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि देश की बात है, यहाँ यूनिटी दिखा दो। वोट देना है नहीं देना है, इट्स अप टू यू। इसको, इस अचीवमेंट पे वोट डालने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा यूनिटी से अगर सपोर्ट करोगे तो मोराल बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, कुछ लोग अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेवर करने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो पाकिस्तान में चलाए जाते हैं, आम जनता के नहीं चलाए जाएंगे कभी, लेकिन लीडर्स के चलाए जाते हैं, ना हो तो यूट्यूब कर लेना, बहुत लोग चलाए जाते हैं, लोग वहाँ पे प्रे करते हैं कि मोदी हारे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के कुछ लीडर्स गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इट्स अप टू यू, देश की इज्जत आपके हाथ में, और आज बहुत बड़ा दिन है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।